बेस्ट क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्लास टेन इंग्लिश आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फायर एंड आइस चैप्टर के पोएम के आई मीट्यू से तो ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है तो इन्हें ध्यान से आप देखिए एंड प्रैक्टिस कीजिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से व्हाट इज़ फायर सिंबल ऑफ़ तो फायर इज़ सिंबल ऑफ लास्ट एंड एंडलेस डिज़ायर यानी कि बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं का और बहुत सारे डिजायर्स का सिंबल है फायर यहाँ पे व्हाट इज आई सिंबल ऑफ़ आई इज सिंबल ऑफ हेट्रेड नफरत का है वट विल फायर डू टू द वर्ल्ड फायर विल पुट वर्ल्ड टू एन एंड यानी कि वो दुनिया को खत्म कर सकता है वट विल विद वर्ल्ड एंड एन तो वर्ल्ड कैसे एंड हो सकता है फायर एंड आइस दोनों लिखना है ठीक है Why does the poet hold with those who favor fire? Poet क्यों कहता है कि मैं उनके साथ हूँ जो लोग कहते हैं कि भाई दुनिया खत्म होगी फायर से तो वो इसलिए कहता है बिकॉज द पोएट होल दो फायर बिकॉज द लस्ट फॉर मटीरियल थिंग इज इंक्रीजिंग जो इतनी चाहते हैं ना लोगों की मटीरियल थिंग्स के लिए वह बहुत बढ़िया एंड इन फैक्ट पोएट ने चीज़ खुद भी एक्सपीरियंस करी है वाई डू समीपल सी डेट द वर्ल्ड विल इन ए नाइस क्यों कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी बर्फ से तो दिस सो बिकॉज हेटेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग यहाँ बर्फ से मतलब सिर्फ ऐसे ही जाने का नहीं है यहाँ बर्फ से मतलब ये भी है दे दिन पर दिन दुनिया के जो लोग हैं उनके बीच में एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ गई है और जैसे जैसे नफरत बढ़ेगी वैसे वैसे जो है लोग दुनिया को

फायर में आएगा डिजायर और ग्रीड वगैरह ठीक है वट वुड बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का कॉज क्या होगा फायर या फिर आइस तो ये एक ही चीज इतने सारे तरीकों से पूछी जा सकती है तो जस्ट इस चीज का ध्यान रखना वट इज द टू डिफरेंट व्यू पॉइंट अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोम तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो द पोएट इज दट देर आर मेनली टू ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड दो तरीके हैं द सिंपल फायर एंड आइस हैव बीन यूज फॉर ह्यूमन इमोशंस लाइक डिज़ायर एंड हेट्रेड तो दो तरीके में फायर एंड आइस और यहाँ पे ये एक सिम्बॉलिक पोएम में फायर से हमारे पोएट का मतलब है एक ह्यूमन इमोशन डिजायर और आइस से मतलब है एक ह्यूमन इमोशन जो है हेटरेड एस फायर कैन स्पेड वेरी फास्ट एंड कॉज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन नो वाइस लाइक वाइज आर डिजायर में आल्सो प्रूव वेरी डिस्ट्रक्टिव इफ दे गो आउट ऑफ कंट्रोल ये लाइन बहुत ध्यान से चेक करो आप ये पूरे पोयम में आपको कोई भी आंसर सॉल्व करवा देगी ये चार लाइनें तो पोएट का कहने का मतलब था जैसे कि अगर आग लग जाए ना तो आग थम नहीं पाती है रुक नहीं पाती है और वो बहुत जल्दी फैल जाती है वैसी जितनी हमारी लालच बढ़ रही है दिन पर दिन लालच भी हमारी बढ़ती जा रही है एक चीज आ गई तो दूसरी वी ऑलवेज वॉन्ट मोर तो इस वजह से जो है डिस्ट्रक्शन हमारे अर्थ का नियर है अगर हम अपनी महत्वाकांक्षाओं पर अपनी ग्रीड पर अपने डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं करेंगे और एन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं करेंगे ऑल्सो हेट्रेड का स्लो डिस्ट्रक्शन लाइक आइज बट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल और अगर हेटरेड नफरत

पहले में कहते हैं फायर करेगी बट फिर वो कहते हैं अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना हो ना तो आइस भी पूरा काम कर सकती है ठीक है वाई डेवर विद दो क्यों वो सबसे पहले कहते हैं कि भाई फायर वाले लोग सही है फायर से दुनिया खत्म होगी तो उनका खुद का भी इसमें एक्सपीरियंस था वो बताना है ये शॉर्ट में वो वन वर्ड में करा था टू दोयर साइड लेते हैं उन लोगों की जो कहते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ फायर से बिकॉज फ्रॉस कनेक्ट फायर विद डिजायर उन्होंने फायर को डिजायर से कनेक्ट करा अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज पावरफुल एंड वुड बी ए क्विक एंड मोर ओवर द फैक्ट देट हीं विद डिजायर लेट हम टू फर्स्ट कंक्लूड दैट वर्ल्ड विद एंड एन फायर उनका खुद से भी वो कहते हैं ना ऑफ वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर टेस्टेड मतलब उनके खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे है कि अगर आपने बहुत ना महत्वाकांक्षा है आप लालची हो जाओ बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचने लगे जो खुदगर्ज हो जाओ अपनी डिजायर्स को कंट्रोल ना करो तो आप अपने लिए भी हार्म कर सकते हो और हर कोई ऐसा होगा तो पूरी दुनिया के लिए हार्म है वट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस तो द टेल्स इज अबाउट अंडर अन एंडिंग डिजायर एंड एंडलेस हेट दीज आर देर इन हार्ट एंड ह्यूमन माइंड डिजायर इज लाइक फायर एंड हेट इज लाइक एस ये सेंट्रल आइडिया है पोएम का विल दिस वर्ल्ड कम टू एन एंड वट ड पोएट से इन द रिक्ड तो ये वो कहते हैं दैट वर्ल्ड एंड होगा तो आप इसको कैसे आंसर कर सकते हो लेट सी दिस आंसर स्टडी मटेरियल का ये एवरीथिंग दैट हैज बिगनिंग और ओरिजन डज एव एन एंड जो चीज शुरू हुई है वो खत्म जरूर होती है इट इज़ एन इटर्नल लॉ ऑफ नेचर ये लॉ ऑफ नेचर है द एक्स्टिंग वर्ल्ड विल कम टू एन एंड डेफिनेटली एक दिन डूम्स डे आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे द पोए बिलीव मनी पीपल बिलीव दट इधर फायर और आइस विल बी ऑफ ऑफ एंड वर्ल्ड तो इसलिए वो कहते हैं कुछ लोग कहते हैं अर्थ खत्म पूरा दुनिया खत्म होगी फायर से कुछ कहते हैं आइस से मैं तो दोनों के ही साथ हूँ वाई डज द पोएट सिर्फ आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन तो वो लास्ट लाइन में पोएम से आइस भी पूरी बतेरी है बतेरी मतलब इन्ना आईस भी पूरा काम कर देगी दुनिया खत्म करने का बिकॉज आइस इज लाइक हेट हेट कॉजे ऑल टाइप्स ऑफ वाइसेज आप में नफरत बढ़ेगी जैसे वर्ल्ड वॉर वन हुआ टू हुआ क्यों हुए नफरत कर रहे थे लोग एक दूसरे से इस वजह से बड़े बड़े लीडर्स एंड दे रून स्टॉप वॉर ठीक है प्यार प्यार आता अगर मन में एक दूसरे के लिए प्यार जगता कि क्यों किसी को नुकसान पहुंचाए तो वर्ल्ड वॉर रुक सकते थे तो हेट कॉजेस ऑल टाइप्स ऑफ अमंग अमंग मैन कांड एन ऑफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड वॉट मैसेज दस द पोएट विश टू कन्वे थ्रू द पोएम क्या मैसेज मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज क्लिक द स्क्रीन शॉट तो इन दिस पोएम द पोएट कंसिडर एज ओल्ड क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन वो इसमें पढ़ रहे हैं बता रहे हैं कि दुनिया खत्म होगी फायर से आई से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसके ऊपर पोएट ने बात करी है और इन्होंने इस पर ना अपना अपना सिर्फ ओपिनियन नहीं दिया है उन्होंने दोनों बातों को इक्वली कंपेयर करके बताया इट इज़ मीनिंगफुल टू आस विच वन इज स्ट्रॉर एज यू नो बोथ ऑफ देम आर इक्वली हार्मफुल टू वर्ड यह कहना फायर ज़्यादा ताकतवर यह आइस ये सेंस नहीं है इस बात की कोई क्योंकि हमें पता है दोनों ही खतरनाक है वी ऑल्सो एसोसिएट फायर विद लास्ट ग्रीड एंड ए वाइस एंड इंटॉलरेंस यू आर आइस कैन बी एसोसिएटेड विद हेटेड एंड एंड डिफरेंस सिंपल लैंग्वेज लिखना फायर इज इक्वल टू लास्ट डिजायर एक्सेट्रा और हेटेड मतलब नफरत और जो मैंने आपको बताया था कोल्डनेस द फायर ऑफ लास्ट एंड ग्रीड गेट्स पब्लिसिटी बट द कोल्डनेस ऑफ हेटेड इज ऑल्सो जेनियड एज इट इज अ साइलेंट किलर तो ये इस लाइन का मतलब क्या सिंपल लैंग्वेज में रहा है खतरनाक फायर है लस्ट है डिजायर तो उतना ही खतरनाक आइज भी है कोल्डनेस और हेटेड भी है क्योंकि वो एक स्लो किलर है ऑल ऑफ सच ब्लैक साइड ऑफ ह्यूमन नेचर कैन ऑब्सट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ठीक है तो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड विल कम अगर दूसरी बार दुनिया खत्म होनी होगी तो वो होगी आईस से तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड फायर विच सिंबलाइज डिजायर बट इफ इट है दोबारा खत्म होनी होगी तो भैया वो हेटरेट से हो जाएगी जो उसको उन्होंने कहा है आइस द पोएट फील दैट देर इज इनफ हेटरेट इन द वर्ल्ड दैट इज स्प्रेडिंग अमंग पीपल दिस हेटरेट विल एंड द वर्ल्ड वन डे तो दुनिया में जो लोगों के आपस में नफरत बढ़ती जा रही है तो वो एक दिन जो है हमारे वर्ल्ड को एंड कर सकती है वट टाइप ऑफ लाइफ डज अ मैन लीड अकॉर्डिंग टू पोइट तो पोएट के अकॉर्डिंग और इस पोम के अकॉर्डिंग इंसान कैसी जिंदगी जी रहा है तो अ मैन शुड लीड अ लाइफ वेयर हेट एंड डिजायर हैज़ नो प्लेस कैसी जिंदगी जीनी चाहिए एक इंसान को तो हम ऐसी जिंदगी जीनी जी चाहिए जी जहाँ हेट और इतना डिज़ायर नहीं होनी चाहिए दीज आर द रूट कॉज ऑफ ईवेल सो अ अटिस्फाइड लाइफ इज द ओनली सोल्यूशन अगर आप सेटिसफाइड रहोगे दूसरी से नफरत नहीं करनी और कोशिश करो और हैव ड्रीम्स बट नॉट डिजायर्स जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए और खुद को भी वॉट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइस प्लीज इसका स्क्रीन शॉट क्लिक कीजिए तो फायर एंड आइस ना दोनों मेटाफर है मेटाफर क्या होता है कंपेरिजन करा गया फायर को डिजायर से आइस को हीटरेट से एंड दे आर यूज वेरी इफेक्टिवली कन्वे अ मीनिंग टू द रीडर्स फायर स्टैंड करता है अनकंट्रोल्ड अनचेक पैशन डिजायर लस्ट के लिए और ये पैशन डिजास्टर्स हो सकते हैं ह्यूमन बींग के लिए सिमिलरली कोल्ड और जो आइस है दिखाता है लव नहीं होना इनसेंसिटिव होना क्रुएलिटी रिजिडिटी तो यहाँ काफ़ी वर्ड मीनिंग आपको मिल रहा है सॉरी सिमोनियम मिल रहे हैं आइस के तो आइस में आप रिजिडिटी क्रुएलिटी इनसेंसिटिविटी लैक ऑफ ह्यूमन वॉर्म लव सिंपति ये सब लोगों में से खत्म हो रहा है मतलब वो कोल्ड हो रहे हो मतलब वो आइस उन्होंने बताया और फायर क्या है फायर में आप डिज़ायर लस्ट फॉर ये यशंस लिख सकते हो कि बस अपने बारे में सोचना दुनिया के बारे में नहीं सोचना अपनों के बारे में भी नहीं सोचना सिर्फ अपने बारे में सोचना और कोल्ड होना प्यार ना करना सिंपत्ति ना दिखाना ये सब चीज़ें हैं जो एक दिन हमारी दुनिया को एंड करा सकती हैं वट डू मेटाफोर आइस एंड फायर कन्वे अगेन सेम क्वेश्चन वट डू द मेटाफोर ऑफ आइस एंड फायर कन्वे टू द रीडर्स डोंट दे रिप्रेजेंट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन एंटेट ऑफ दिस वर्ल्ड व्हाट इज द मैसेज अब आप कहोगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि दीदी एग्जाम में आ जाए तो कहीं से आप डर जाओगे कि दीदी क्या लिखे डरना नहीं है कहीं सिर्फ स्मॉल समरी लिख देनी है आपको इस पोम की और आपको फुल नंबर मिलेंगे आपको बस ये जो ऊपर की लाइन ऐड कर देनी है that yes poem in the poem uh, the poet robert frost has uh, explained us that how world will come to an end by using two beautiful metaphors in which he compared human emotions to fire and ice elements of nature okay he compared fire with endless human desires and ice with the growing hatred among human beings both are equally destructible and both can bring into the world अब देखो मैंने ये अभी सोचा है मैंने ये कुछ टेंसिस गड़बड़ मेरे भी हो सकते हैं जब लिखूंगी तो सब सही करके लिख दूंगी तो आप एक बार क्वेश्चन आंसर को फॉर्म करना अपने माइंड में शुरू करो आपसे आंसर लिखे जाएंगे और ये क्या है इसमें ऐसा कोई मुश्किल आपको क्वेश्चन कहीं भी दिखे चैप्टर की समरी लिखो कंक्लूड करो डन तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है इसको आपको लिखना है बेस क्वेश्चन नोटबुक के अंदर और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर मैं बाद में, में बताऊंगी आपको ओके okay? तो विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत सारे फाइनेंस के क्वेश्चन दी जा रहे हैं ना तो मैं चलती बहुत बैठी है बेस्ट ऑफ लग बाकी क्वेश्चन जाकर आप चेक कर सकती हो ये सारी पिक्चर्स चल जाएंगी मेरी इंस्टाग्राम आई डी अपलोड हो चुकी हैं तो आप वहाँ से जाके इनको स्क्रीनशॉट क्लिक करना वट एवर यू कैन डू अगर अभी नहीं कर पाए थे तो तो मैं चलती हूँ बाबा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में